हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ब्यूटीफुल पहाड़ियाँ, वो भी एकदम खड़ी पहाड़ियाँ और इन पर बने हुए मकान। ये है हमारा किन्नौर का एंट्री पॉइंट, और किन्नौर मैं कहूँ तो किन्नौर, लोअर किन्नौर जो है वो है। और बहुत ही सुंदर गांव यहाँ आप देख रहे होंगे, इधर देखिए कितनी और किस तरीके से मकान बने हैं इतनी खड़ी पहाड़ियों पर। ये देखिए, इस जगह का नाम है दोस्तों टापरी, और इन गांवों का नाम तो अलग अलग है। ये कोई और गांव है, उस पहाड़ी पर कोई और गांव है, और इस पहाड़ी पर कोई और गांव है। तो इन पहाड़ियों पर, हर पहाड़ी पर अलग अलग गांव है। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पर लगे हैं एप्रिकॉट के बगीचे टाइप है, घर के आसपास लगाए हैं मेन ये, क्योंकि नीचे टापरी की मार्केट है तो उसके नज़दीक का है। मेन गांव है वो ऊपर है, जितनी हाइट पर आप जाओगे उतने आपको बड़े बड़े गांव मिलेंगे और बड़े बड़े बगीचे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आया मैं किन्नौर और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सुबह सुबह बड़ा ही अच्छा व्यू देखने को मिला इन वादियों का। अभी नीचे वहाँ जाऊँगा, उस सतलुज नदी वहाँ से बह रही है, उसका व्यू अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। आगे वहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट है, नाथपा झाकड़ी, इधर है कड़छम वांगतू, और इस साइड आगे जाके वहाँ है नाथपा झाकड़ी। तो किन्नौर में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो सतलुज नदी पर है, क्योंकि वो यहाँ से बहती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे जाके। इसी प्रकार मैं एक एक गांव में जाके अपर किन्नौर तक जाऊंगा, और ये छोटे छोटे ब्लॉग आपके लिए लेकर आता रहूंगा। हर हर महादेव।